कन्वर्ट 578 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। तो ये 578 डेज है, इसको जो वो वीक में और डेज में चेंज करें। वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह जिसको होते हैं, ठीक है। तो एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात। तो बोला कितने कितने, सेवन सेवन के कितने डिवीजन बनेंगे? तो सेवन से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचता है वो डेज बचाएंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, आपको जो यहाँ पे देखना है ऑप्शन में, यहाँ सब 82 है, तो इसका 82 वीक्स तो होंगे। आपको ना सीधे से सीधा ही 82 को 7 से मल्टीप्लाई करना है सीधे। आपको डिवाइड जैसे आप करेंगे 578 को 7 से, तो यहाँ पे देखो 82 तो आ जाएगा, ठीक है। फिर 82 से अब आपको बताया, आपको यहाँ पे 7 का टेबल पर कितने का मिल जाएगा? 8 से 7 8 जा 56 बचा, और यहाँ पे आया 18, 7 2 जा 40, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, ये हो जाएगा 4 डेज और 82 वीक्स। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आप सीधा देखो 82 तो सब में, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो वो 82 ही आने वाला है। तो आप सीधा सा 82 को मल्टीप्लाई करो 7 से, इसको करने की जरूरत नहीं, 82 मल्टीप्लाई करो 7, बोलो 7 2 जा 40, 8 7 जा 56 57। अच्छा फिर 574 आ रहा है, 578 है, कितना बचा? माइनस का 4 बचा, तो 4 ठीक है, 4 डेज, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को करना।